मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। देखिए अभी तो आप सबने देखा कि मेरे पार्टी मेरा देश झारखंड ही नहीं बल्कि देश के गांव गांव से और घर घर से जो मिट्टी यहां से लेकर के दिल्ली जा रहे हैं मेरा देश की राजधानी है वहां पर अमृत वाटिका बनेगी। और आप समझ सकते हो देश के संपूर्ण जो मिट्टी है वहां पर जाएगा उसी मिट्टी पर देश भर से पेड़ पौधे इकट्ठा करके वहां पर लगाए जाए। यदि वो दृश्य की आप कल्पना करो ऐसी आज तक शायद कभी हुई नहीं हो। पूरा देश की मिट्टी अमृत वाटिका बने वो वाटिका यानी पूरे देशवासियों की होगी पूरे देश के लोगों की उसमें से गांव गांव से वहाँ पर मिट्टी उस मिट्टी में वो सारे पेड़ पौधे बड़े होंगे। झारखंड को कुछ ज्यादा प्रधानमंत्री महत्व दे रहे हैं प्रधानमंत्री 15 नवंबर को यहाँ पर आ गए इसको क्या मानते हैं? झारखंड में देश को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र और इसलिए हम देखते होंगे लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष की यात्रा कोई भी हिस्सा उनसे कहीं छूटता नहीं यानी दिन रात चलते हैं काम भी करते हैं सब कुछ करते हैं। तो झारखंड ही नहीं क्योंकि हम लोग झारखंड में रहते हैं इसलिए लगता है लेकिन अगर आप पूरा उनका रोज का आप देखे अखबारों में क्या यहाँ है कल वहाँ है और समाज के सभी तबकों से अपने आप को कनेक्ट भी करते हैं जोड़ते भी हैं फिर विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं खिलाड़ी हो चाहे भिन्न भिन्न क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं उन लोगों के साथ भी वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में भी बहुत ऐसी बातें की हुई हैं झारखंड के महापुरुषों का उन्होंने नाम जिक्र किया। स्वाभाविक है क्योंकि आने वाला 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और इसको भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस पूरा देश में अब और इसलिए आपने देखा होगा कि देश भर में कोई एक क्या कहते हैं उसको म्यूजियम भी बने हैं जहाँ पर हम आपको संजो के रखते हैं झारखंड में। आज आपने देखा होगा कि देश के जो जनजाति समाज में से आदिवासी समाज में से जो महापुरुष पैदा हुए उन सब लोगों का उन्होंने कुछ उल्लेख किया क्योंकि देश उन लोगों को भूल चुका है और वो महापुरुष सीमित थे जिस वर्ग से पैदा हुए थे उसी वर्ग के लोग मनाते जबकि वो लोग देश के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे जिसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन सब लोगों को आम लोगों से जुड़ा क्योंकि देश के लिए जिनका योगदान ये थे बाबुल मरांडी जो झारखंड प्रदेश से अमृत कलश को रवानगी कर रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने का काम किया गया है उससे निश्चित ही ये लग रहा है कि झारखंड में अब बीजेपी इन आदिवासी नेताओं के बदौलत और तमाम अपने कार्यों के बदौलत एक बार फिर से जनाधार हासिल करने में लगी हुई है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार मुखर संवाद रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।